हाय एवरीवन, दिस इज़ गायन। एंड जब भी बॉलीवुड फिल्म में किसी यूनिक कंसेप्ट की बात आती है ना, तो राम गोपाल वर्मा जी का नाम उन ऐसे डायरेक्टर्स में आता है जो कोशिश करते हैं कि एक अलग सिनेमा, तो वो साथ ही साथ यंग टैलेंट, न्यू फेसेस लोगों तक पहुँचें। और ऐसे एक फिल्म 15 जुलाई को रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है लड़की द ड्रैगन गर्ल, और उस सिलसिले में आज हम राम गोपाल वर्मा जी से ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम टू चंडीगढ़। हाय। सो सबसे पहले तो जैसे ये पोस्टर ही बता रहा है दैट इंडियाज फर्स्ट मार्शल आर्ट्स फिल्म, और वो भी एक लड़की पे। जब भी मार्शल आर्ट फिल्म्स की बात आती ना, फिल्म में एक्शन की बात आती थी, तो हमारे माइंड में होता था एक लड़का होगा जो एक्शन करेगा, जो मार्शल आर्ट्स करेगा। लेकिन राम गोपाल वर्मा की एक लेगेसी है जो डिफरेंट करते हैं सबसे। सो कैसे माइंड में आया दैट हाँ, मेरे को लेके जाना है, स्टार्टअप करना है, और ये कंसेप्ट होना चाहिए कि एक लड़की मार्शल आर्ट। ये पहला जो शुरू हुआ कि मैं कॉलेज टाइम पे जब एंटर द ड्रैगन नाम की फिल्म देखी, ब्रूस ली का मशहूर फिल्म, सो वहीं से लेके मुझे एक बहुत बड़ा असर हुआ एंटर द ब्रूस ली का। और मुझे लगता था कि अगर कभी एक मार्शल आर्ट्स फिल्म बनाए, इसलिए कि मार्शल आर्ट फिल्म और एक्शन फिल्म का बीच में अंतर है। एक्शन होता है लेकिन मार्शल आर्ट में एक बॉडी का एक कला है, एक स्किल है, एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डांस, यू नो। तो इट्स द फाइट इज़ डन लाइक अ डांस बिकॉज द कोऑर्डिनेशन जो है, उनकी मसल्स, उनकी हैंड एंड फीट मूवमेंट और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरली प्रैक्टिस आर्ट। उनका बीच में हमें एक स्टोरी ला के करना है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग ऑफ हाउ वन कैन डू दैट, यू नो। और एक रामगोपाल वर्मा जी, ये कहाँ से आया कि हाँ मुझे एक ट्रेंड मार्शल आर्ट जो है लड़की ही लेनी चाहिए, दैट शी विल डू द जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस विद द फिल्म, वो होगी और एक न्यू फेस भी लोगों को मिलेगा, एक ट्रेनर भी लोगों को मिलेगा? ये इसलिए क्या कि इसलिए कि आई वॉन्टेड ए प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए कि मेरे को VFX नहीं यूज़ करना है। मुझे कोई एक I don't want to use any traditional kind of film making में जो हम manipulate करते हैं कि editing में या कुछ back shot में dupe लगाते हैं या तो wire work करते हैं, all that I did not want to do. Because of that I wanted a trained martial artist, because long shots में दिखना चाहिए यही लड़की कर रही है, कोई और नहीं। मेरा माइंड में कैरेक्टर का इतना क्लैरिटी थी, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम, एंड लड़की के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।